नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक ETUTOR यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर बेसिक टर्म्स के बारे में, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। और एक्चुअली ये क्वेश्चन आंसर ने मतलब एक प्रकार का बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज़ रहेगी। और यह वीडियो बनाने के पीछे मकसद हमारा, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं और उनका हम आपको नाम बताना चाहेंगे, अजीत सिंह राजपूत जी। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर ITI से रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन के बारे में भी एक वीडियो बनाई जाए जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इन्होंने लिखा कि मुझे अप्रेंटिसशिप के लिए जाना है, वो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बना दीजिए। तो एक्चुअली मैंने इमीडिएटली कुछ क्वेश्चंस जो कलेक्ट किए हैं और इसके बाद भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसमें बेसिक्स मैंने क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। तो अजीत सिंह राजपूत जी को हम धन्यवाद बोलते हैं और उन्होंने जो अच्छा टॉपिक सजेस्ट हमको किया। हम आप सभी सब्सक्राइबर से भी बोल लेंगे कि आपको जो लगता है कि इलेक्ट्रिकल के अंदर या अदर जिस फील्ड में भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जो कि जेन्युइन रहे, तो उसके बारे में हमको कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आपके कमेंट के अनुसार आपका जो टॉपिक रहेगा, यदि हमको लगेगा कि इस पर बनाया जाए वीडियो, तो उसको भी हम आपके लिए बहुत जल्द वीडियो बना के लाने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो देखा जाए तो ये हमारे सब्सक्राइबर हैं अजीत सिंह राजपूत जी, उनकी रिक्वेस्ट पर हम बना रहे हैं और हमको अच्छा लगा कि आप हमको बताते हैं, इस टाइप के टॉपिक्स बताते हैं और आप हमको इससे हमको मोटिवेशन ही मिलता है कि आप इतना आपको बताते हैं, हमको बताते हैं ये वीडियो बनाएं, उस टॉपिक बताएं। तो ठीक है, तो चलिए समय गंवाते हुए ना गंवाएं और हम आपके चलते हैं कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स इन्फॉर्मेशन के हमने जो सिलेक्ट की हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं। हालांकि आप सभी को पता है, लेकिन अब जब स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर जीरो से स्टार्ट करना बनता है, ऐसा ना है कि बीच में से हम घुस जाएं। तो यहाँ से हम कुछ बेसिक टर्म्स को लेकर चलेंगे, इसमें 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कई सारे पार्ट बनाएंगे सभी को कवर करते हुए। तो पहला सा एक छोटा सा एक नंबर एक पर हमने रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट इकाई क्या होती है। अब आप थोड़ा सा आपको हंसी भी आएगी क्योंकि ये सभी को पता होता है, लेकिन हमने क्या बोला, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जीरो मतलब कि जीरो होता है, जीरो मतलब कि सब कुछ एक से स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल करंट जो रहती है उसकी इकाई रहती है एम्पियर, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वाट, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फ्रिक्वेंसी को हर्ज में मेजर किया जाता है। हमारे इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी है वो स्टैंडर्ड है, 50 हर्ज हमारी रहती है, ठीक है। इसके बारे में हम कई बार हमारी अदर वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रिक्वेंसी को हर्ज में मेजर किया जाता है। और एक वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू क्या, IR या करंट इंटू रजिस्टेंस। तो वी इक्वल टू IR, ये वोल्टेज फॉर्मूला होता है। पावर का फॉर्मूला होता है, आप पावर का फॉर्मूला डिपेंड करता है आपकी सप्लाई AC है, सिंगल फेस है, थ्री फेस है या DC है। तो DC में जनरली पावर वोल्टेज होता है वोल्टेज इनटू करंट यानी कि VI, और सिंगल फेस AC में बात करें तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट इनटू पावर फैक्टर। और जो रहती है जो ये वाला फॉर्मूला होता है, जो फेस टू न्यूट्रल के बीच में हम करते हैं, फेस और न्यूट्रल बीच में जब पावर मेजर करते हैं तो P इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट इनटू पावर फैक्टर। और जब हम फेस टू फेस करते हैं तो उसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देते हो, क्या हो जाता है, √3 वोल्टेज इनटू करंट इनटू पावर फैक्टर। ये AC में हो गया। DC में करना है तो सिंपल पावर इक्वल टू होता है V इंटू I, क्लियर। इसके बाद एक और टॉपिक है, कौन सी मोटर है जो AC एंड DC सप्लाई पर भी चल सकती है। तो इसको बोलते हैं सर्वार्थिक मोटर। अब सर्वार्थिक आपको समझ में ना आए तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर को AC एंड DC सप्लाई पर भी चलाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये टर्म्स ही कलेक्ट किए हैं, ये कुछ इसके जैसे ऑप्शंस नहीं रखे हैं, ऑब्जेक्ट A, B, C फिर कौन सेलेक्ट करना, इस टाइप का आपको आता है, लेकिन मैंने टाइम सेविंग के लिए डायरेक्टली आपको बता दिया है। क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में या कहीं पूछा जाता है कि वह कौन सी मोटर है जो AC एंड DC दोनों सप्लाई पर चलती है, सिंगल फेज AC, थ्री फेज AC, DC, ऐसा 4-5 ऑप्शन रहेंगे, तो वहाँ पर आपको AC सिंगल फेज AC एंड DC पर जो चलती है वह मोटर है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। नेक्स्ट मैंने किया यहाँ पे बेसिक टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टर्म्स हैं जो आप सभी को याद होना चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं, चाहे आप एग्जाम देने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में सभी को पता होना कंपलसरी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इन बेसिक टर्म्स से ही इसको स्टार्ट किया है। पहला है, इसके बाद 9th है हमारा, 1 मैकेनिक और हाइड्रोलिक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स, ठीक है। इसको मैकेनिकल या हाइड्रोलिक ना बोलते, इसको इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर ही बोल देते हैं। तो क्या 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट, क्या जब आपसे पूछा जाए कि 1
एचपी यानी कि 800 शक्ति हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट, और किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाई 1000 कर देते हैं हम इसको, तो ये कितना जाता है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 0.746 किलो वॉट। इसके बारे में कई सारी वीडियो पब्लिश की है, बनाई है, कन्वर्जन का भी बारे में आपको सिखाया है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक और आता है 11 नंबर हम रखा है, 1 मैट्रिक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 736 वाट्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान देना होगा, 1 मैट्रिक हॉर्स पावर की बात की जाए तो 736, इलेक्ट्रिकल हॉर्स पावर बात की जाए तो 746, क्लियर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने समावेश किया है, द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द किलो वाट हावर kWh, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट्स रहती है हमारे घरों में, जो बनती है यूनिट आती है, जैसे बिजली आप कंज्यूम करते हैं घर में, जो भी बिल आता है उसमें यूनिट रहती है, वो किलो वाट हावर में होती है, क्लियर। इन सिंपल टर्म्स 1 किलो वाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय 1 किलो वाट वाट्स इलेक्ट्रिक हीटर फॉर हावर, ठीक है। इसको हमने हिंदी में फिर से लिखा है, यदि 1000 वाट मान के हीटर को 1 घंटे तक यूज़ किया जाए, चला जाए, तो 1 यूनिट विद्युत खर्च आपके घर में होगी। यहाँ से हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं, जब आपके घरों में बोलते हैं कि हमारा इतने यूनिट का बिल आया घरों का, ठीक है, इतनी यूनिट का बिल आया, तो यूनिट कैसे बनता है, यदि आप और समझे अच्छे से, 100 वाट के बल्ब जो आप ले लें और 10 बल्ब ले लें, 100 वाट के बल्ब 10 बल्ब 1 घंटे तक चलाएंगे तो आपका घर में 1 यूनिट बिजली की खपत होगी, क्लियर। या यूं कहें 100 वाट के बल्ब को यदि आप 10 घंटे तक कंटिन्यू चलाते हैं तो घर में आपका 1 यूनिट का बिल आएगा। अब आप देख लीजिए, इससे ज़्यादा यदि आपका बिल आता है, आप कितना लोड घर पे यूज़ करते हैं, कितनी पावर कंज्यूम करते हैं, यदि उससे ज़्यादा तो आप डायरेक्टली बिजली ऑफिस में, बिजली विभाग में जाकर कंफर्म कर सकते हैं, भाई हमारा घर में इतना लोड नहीं है, फिर भी बिल क्यों आ रहा है, क्लियर। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया था हीटर, 1000 वाट के हीटर को 1 घंटा चलाएंगे तो 1 यूनिट बनेगी। अब आप देख लीजिए कितनी यूनिट बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है 14 नंबर पे, द हॉर्स पावर एचपी यूनिट ऑफ द फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस इसकी यूनिट होती है, किसकी, हॉर्स पावर की, क्लियर। नेक्स्ट इसमें कुछ बेसिक्स हैं, हिंदी में भी हैं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो इसमें है सोल्डर वायर जो रहता है, टीन और लेड का मिश्रण होता है, आपने देखा होगा जहाँ इलेक्ट्रॉनिक दुकान रहती है जहाँ पे वो सोल्डरिंग करते हैं, आप कभी आपने टीवी रिपेयर किया होगा, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप जब रिपेयर कराने जाते हैं तो वहाँ पे वो बोलता है भाई टाका लगा दूँ या सोल्डरिंग कर दूँ, कर देता है, तो वहाँ पे जो वायर यूज़ करता है वो टीन एंड लेड का, लेड जो रहता है हमारा उसका मिश्रण रहता है, कॉम्बिनेशन से रहता है। इसके बाद इसमें लाइन वोल्टेज 2 फेज के बीच का वोल्टेज होता है, क्लियर, 2 फेज के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहते हैं, और फेज वोल्टेज सिंगल फेज और न्यूट्रल के बीच में जो रहता है उसको हम फेज वोल्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है। फेज वोल्टेज जो रहता है न्यूट्रल और फेज के बीच मिलता है, लाइन वोल्टेज दोनों फेज के बीच में मिलता है। इसके बाद एक और है, एसी उत्पन्न करने के लिए अल्टरनेटर का यूज़ करते हैं, कि एसी वाई कैसे जनरेट करते हैं, कहाँ से करते हैं, तो अल्टरनेटर वहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अल्टरनेटर क्या करता है, अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा द्वारा एसी उत्पन्न करता है, ठीक है। अब यांत्रिक ऊर्जा कहाँ से आती है, यांत्रिक ऊर्जा कई तरीके से मिल सकती है, यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा कई तरीके से मिल सकती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमारा टरबाइन रहता है, उसको आप टरबाइन को आप स्टीम से घुमाइए, या फिर पानी से घुमाइए, हवा से घुमाइए, हाथ से घुमाइए, आपको घुमाना है, जो आप उसको रोटेशन कर रहे हैं वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी हो गई। आप जो अल्टरनेटर घूमेगा तो उसमें एसी प्रोड्यूस होगी, तो क्लियर, अल्टरनेटर जो मैकेनिकल एनर्जी को एसी, मैकेनिकल एनर्जी द्वारा एसी को प्रोड्यूस करता है, क्लियर। अब इसके बाद एक और है, मेगर का प्रयोग उच्च इंसुलेशन, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने में हम करते हैं, आपने देखा होगा इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो जब केबल का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, इंसुलेशन मेजर करते हैं, मेगरिंग करना होता है, तो कहने का मतलब हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमने है, धारा को मापने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए धारा ट्रांसफार्मर यंत्र, अब धारा ट्रांसफार्मर यंत्र से आप कन्फ्यूज ना हो, इसको बोलते हैं सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, जिसका हम जनरली जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो सीटी की बात हम करते रहते हैं, तो सीटी करंट ट्रांसफार्मर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं धारा ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में। नेक्स्ट हमारा, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की पावर को नापने वाला यंत्र वाट मीटर होता है, यानी कि विद्युत परिपथ की शक्ति को नापने वाला यंत्र, मीटर, इंस्ट्रूमेंट आपका वाट मीटर होता है, क्लियर। ये कुछ बेसिक्स हैं, स्टार्ट किया है तो बेसिक्स तो बताना जरूर है, इसके बाद हम थोड़े टफ क्वेश्चंस भी इसमें समावेश करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चंस, एक मोटर इलेक्ट्रिक
ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलती है। क्लियर, बिल्कुल सही है। आपकी जो मोटर रहती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उससे हम जो भी काम कराते हैं वो करती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट आपका आता है एक डीसी मोटर की स्पीड बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। जो डीसी मोटर रहती है उसकी स्पीड जो रहती है बैक ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस, एडी करंट हानि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कोर के कारण होती है। आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर रहते हैं बिजली विभाग में हो या जहाँ भी आपके रोड के साइड में लगे रहते हैं, चाहे वो कोई सा ट्रांसफार्मर हो या छोटे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हो, जब भी ट्रांसफार्मर ऑन रहता है तो उसमें से एक भिन्न की आवाज़ आती रहती है। तो जो भिन्न की आवाज़ आती रहती है वह आपके रहता है एडी करंट लॉस, ठीक है, और यह होता है उसके कोर के कारण। क्लियर, ये आपको याद ना, कोई पूछे भाई एडी करंट लॉस क्या है, तो ट्रांसफार्मर होता है जो कि उसके कोर्स के कारण होता है, ठीक है। इसको कम करने के लिए इसमें हम इंसुलेशन करते हैं, वो सारा करते हैं, वो अलग चीज़ है। नेक्स्ट हमारा आता है एक सिलिकॉन अर्धचालक डायोड का जंक्शन विभव 0.7 वोल्ट होता है। जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका जो पीक वोल्टेज रहता है वो 0.7 वोल्ट होता है, यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके बाद यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो एसी या डीसी पे प्रचलित हो सकती है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ चुके हैं इस क्वेश्चन, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो एसी एंड डीसी दोनों सप्लाई पर भी ऑपरेट हो सकती है, चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए है, तो डीसी मोटर के लिए। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल यानी कि बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर पर के लिए है। इसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन है विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वैद्युतिक मशीनों में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करने का कारण है, ठीक है, ये कारण है, ये हमने देखा था ट्रांसफार्मर वाला, इसका रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो वैद्युतिक मशीनों में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करने का कारण है एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस यानी क्षति को कम करने के लिए। क्लियर, तो एडी करंट लॉस होती है उसको कम करने के लिए हम करते हैं लेमिनेटेड कोर का यूज़। क्लियर, तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस का मैंने समावेश इस वीडियो में किया, शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं हमारे जो सब्सक्राइबर हैं अजीत सिंह जी, राजपूत जी, उनके लिए ये उनकी डिमांड पे क्वेश्चन वीडियो था। अब इससे आगे हम इस सीरीज में कई सारी वीडियो बनाएंगे, क्लियर, तो उसमें सारे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाया और क्वेश्चंस हम कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना जरूरी है। और आप चाहते हैं अगली जो वीडियो आएंगी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड या जो भी एजुकेशन रिलेटेड, उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा अशोक ETUTOR यूट्यूब चैनल, साथ में दबाना होगा आपको बेल आइकन, जिसका फायदा आपको ये होगा कि जब भी हम नई नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपके पास भी कोई टॉपिक है, आप भी चाहते हैं उस वीडियो पे आपको वीडियो मिले, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में आपको ये भी बताना कि ये वीडियो में हमने कुछ कमी हुई है, कुछ गलती हुई है, तो वो भी बताएं, उसको भी सुधारेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसके बारे में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।